अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आज बताएगा थर्मोस्टेट कैसे काम करते हानी ओल थर्मोस्टेट कैसे वायरिंग करते। आज एक डेमो देगा ये हानी ओल थर्मोस्टेट का मीटर लगाते तो ये हानी ओल थर्मोस्टेट ठीक है जो नॉर्मल यूज होते सब जगह में और जो एसी का सर्किट वाला जो डिजिटल थर्मोस्टेट होते वो ख़राब हो जाएगा तो सिम नहीं मिलते फिर सर्किट के साथ मैक्स नहीं होते कोई कोई जगह में इवन सी में लगाना पड़ता है और जो बड़ा एसी है उसमें भी ज़्यादा ये यूज़ होते और ये देखा है 150 मीटर एक मीटर 50 सेंटी के ऊपर ये थर्मोस्टेट लगाने का लेकिन ये लोग इधर क्रॉस किया इधर टीवी के ऊपर क्रॉस किया डोर के साथ क्रॉस किया लेकिन ज़्यादातर डोर के साथ ही स्विच होते स्विच के साथ ही ये होते मुश्किल है। हम लोग जिधर पहले से वो उसका डायग्राम मिलते हैं उधर ही फिटिंग करेगा उसको कोई बात नहीं खास करके तो उसको ये ओपन करने का एक स्क्रू दिया है इधर ठीक है। दूसरा ये दो लॉक होते ये साइड में ये लॉक देखा है ए 1 2 फिर इसमें आके हम लोग दो स्क्रू दे लगाएगा और इधर से वायर निकालेगा। ये वायर निकालने का टाइम में हम लोग इसका अंदर लेके आने का इसमें होल नहीं मारने का वो हिसाब से एडजस्ट करके लेके आने का और अगर ये स्क्रू लगाने के टाइम में थोड़ा ख्याल करने का कोई कोई जगह में स्क्रू बराबर नहीं आते पोजीशन नहीं है होल बन नहीं आते उसको हम लोग किधर भी होल मार के उसको ऊपर टैप देगा इधर एक टैप लगाएगा उसके पीछे जो बॉडी होता है उसको पीछे टैप लगाएगा तो मेनली बात करेगा ज़्यादा बात नहीं करेगा। मेनली कथा बोलब एखने जे जो डायग्राम है थर्मोस्टेट ये थर्मोस्टेट का कवर है ठीक है ये हानि का ये थर्मोस्टेट का कवर है इसका ऊपर अंदर देखो एक डायग्राम मिलता है ये है वो डायग्राम ये इधर सब कुछ बताया ये जो है ऐसा है ऐसा पकड़ से ये है मेन लाइन ठीक है इसमें फेस आएगा ये जो फर्स्ट वाला है ना ये एक नंबर में हम लोग फेस देगा ठीक है ये देखो ये लाइन इधर देखा रहे एल एल में ये फेस देगा एक नंबर में जो दो नंबर तीन नंबर है ना ये हम लोग छोड़ेगा इसका काम नहीं है इसका दूसरा ऑप्शन ऑप्शन है नॉर्मल में इसका काम नहीं है हम लोग को ठीक है। ये जो चार नंबर है उसमें हम लोग जो कंप्रेसर में कॉमन वायर जाता है वो कॉमन वायर देगा जो येलो कलर हर टाइम यूज होते हैं इसमें हम लोग रेड देगा फेस देगा ठीक है। और इसमें जो दो नंबर दिया था ना ये न्यूट्रल के लिए ठीक है तो ये हनीवेल ऑयल ये मैनुअल है इसमें न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं है देगा तो मुश्किल नहीं है नहीं देगा तो उसको टैप मार के अंदर रख देगा लेकिन इसमें ये न्यूट्रल का बार है टू नंबर वाला हम लोग को मेन काम है ये 1 में फेस देने का 4 में कंट्रोल देने का और ये जो 6 7 8 देख रहे हैं ना 6 7 8 ये तीनों फैन स्पीड के लिए ठीक है। अगर बुलवार में फैन स्पीड का तीन वायर इधर आया तो हम लोग तीन वायर तीन जगह में सेट कर देगा कौन सा में स्पीड ज़्यादा है कौन मीडियम है हाई है वो चालू करके देखे देखे लगेगा। अगर एक स्पीड आया तो एक वो किधर भी एक लगा के दोनों में कॉमन कर देगा। ये है ये डेमो ये डायग्राम दिया अब आएगा इधर है जो ओरिजिनल थर्मोस्टेट ये ऑन ऑफ स्विच है ये फैन का स्विच है तीन वायर इधर तीन लगे तीन जगह में लगेगा ये तीन वायर तीन जगह में लगेगा ठीक है। ये है बोलिए हमें ये ऐसा करते थे साउंड होता है ठीक है तो साउंड का मतलब है ये अभी एसी बंद है ठीक है ओनली फैन चलेगा ठीक है हम लोग इधर लगाएगा तो ओनली फैन चलेगा। अब दूसरा का बात होते है अगर कोई कस्टमर को ऐसा बोलेगा हमको एसी भी बनाने का फैन भी बनाने का ऐसा बोलेगा तो फेस इधर देने का कंट्रोल इधर देने का तो फिर काटा कंप्रेसर के साथ फैन भी बना जाएगा। ज़्यादातर अब नॉर्मल में ऐसा चलते कंप्रेसर बंद होते फैन चालू होते उसके लिए फेस इधर है और कंट्रोल इधर है
ठीक है, ये नॉर्मल हर जगह में। तो हम बात करेगा ये तीन है फैन का, 6, 7, 8, और ये फेस ये 2 न्यूटन, ये खाली है हमको 4 में कंट्रोल देने का। ठीक है, एकदम सादा सीधा है ये थर्मोस्टैट वायरिंग। हम अगला बार बताएगा इसका जो वायर लेके आके उसका कूलर के साथ कैसे कनेक्शन करते वो नेक्स्ट टाइम बताएगा। तब तब सब देखते रहो हमारा चैनल।